हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है किक बॉक्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल के विस्फोटक बल्लेबाज कुशल भुर्तेल के बारे में, और बात होगी उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और साथ साथ में बात करेंगे कि आने वाले मैच में उनके परफॉर्मेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई क्रिकेट पंडित नहीं हूँ। आई एम सिंपली अ नेपाली क्रिकेट फैन हु वांट टू सी हिज कंट्री डू वेल इन क्रिकेट, एंड आई ट्राई टू शेयर माई फीलिंग्स एंड व्यूज विद यू ऑल। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। सो दोस्तों, आइए फिर बात करते हैं हमारे नेपाली क्रिकेट टीम के सबसे चर्चित विस्फोटक बल्लेबाज कुशल भुर्तेल के बारे में, जो फिलहाल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, और दरअसल बहुत लंबे टाइम से उनकी अच्छी पारी देखने को नहीं मिल पाई है। वर्ल्ड कप में जहां इनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाए, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात थी। उसके बाद में हम इनको खेलता हुआ नहीं देख पाए हैं, और जहां रोहित पौड़ेल और दीपेंद्र सिंह एरी को बाहर की लीगों में जगह मिल रही है एज बैट्समैन, एज ए ऑलराउंडर उनको लिया गया, लेकिन वहीं पर कुशल भुर्तेल को कहीं भी किसी भी लीग में जगह नहीं मिल पाई। दोस्तों तो गाइज, अगर बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कि नो डाउट कुशल भुर्तेल बहुत टैलेंटेड बैटर हैं, उनका एग्रेशन बहुत अच्छा है, और किसी भी बॉलर से वो नहीं डरते हैं और एग्रेसिवली अटैक करने में विश्वास करते हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो इनकी स्ट्रेंथ है वही इनकी कमजोरी भी है। दोस्तों आज के टाइम में हर एक प्लेयर के गेम प्ले और उनके शॉट सिलेक्शन को स्टडी किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उसकी कमजोरी पर वार किया जाता है, और कुशल भुर्तेल को अपोनेंट टीम को स्टडी करने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ती है और उनको सफलता मिल जाती है। बॉलर बस एक ही तरीके से अपने प्लान पे रहता है, स्टिक रहता है, और इनको या तो अपना विकेट बोल आउट होते हैं या तो ये कैच थमाकर चले जाते हैं। और इनमें एक बात भी देखी गई है कि जब ये मारना स्टार्ट करते हैं तो ये खराब बॉल या सही बॉल नहीं देखते हैं, जो भी बॉल आई बस उसको पेल के मारने में लगे पड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो विकेट है वो जल्दी ढह भी जाता है। दोस्तों हमने मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जहां पर भी ये एक शॉट मारते हैं दोबारा फिर उसी शॉट पे जाते हैं, तीसरे बार भी उसी शॉट पे जाते हैं, तो मतलब लगातार उसी टेम्पो में रहते हैं, ये अपना गियर चेंज नहीं करना जानते हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने मैक्सिमम जो है जो आउट हुए हैं दोस्तों वो कैच आउट हुए हैं या ये बोल्ड आउट हुए हैं, या जो उनकी परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाती है जब ये बात आती है रन आउट और एलबीडब्ल्यू में। दोस्तों तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा कि इनकी आदत होती है और बॉलिंग जो यूनिट होती है जिस तरह से प्लान करती है उसी प्लान में ये फंस भी जाते हैं। इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, और लगातार ऐसी गलतियां करने के बावजूद भी ये अपने आप में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और जिसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देख सकते हैं, इनका लिस्ट देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक साल के अंदर अंदर ये बार बार कम रन बनाकर आउट हुए हैं और वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फरवरी से जब स्टार्ट हुआ जो ट्राई सीरीज हो रही थी जो नेपाल में हुई थी नामीबिया के खिलाफ, जहां उन्होंने जीरो बनाया, फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ जब खेले तो वहां पर जीरो बनाया, मार्च की बात करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ आप देख सकते हैं जहां पर इन्होंने 8 बॉल पे 12 रन बनाए, थोड़ा एग्रेशन दिखाया लेकिन फिर आउट हो गए, और जो चलता हुआ आ रहा है वही चीज उन्होंने फिर से दोहराई। फिर से नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि 10 में 20 है, फिर उसके बाद में ये सीरीज खत्म हो गई नेपाल जो टूर्नामेंट है उसमें बस एक ही मैच जीत पाए जहां पर हमें 2 अंक मिले। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि इनका ना चलना कितना ज्यादा डैमेज कर चुका है नेपाली टीम को। उसके बाद में हम बात करें जो एक फ्रेंडशिप मैच हुआ था, फ्रेंडशिप कप हुआ था जो हांगकांग में हुआ था, तो वहां पे हांगकांग चाइना के साथ में यहां पे जो मैच हुआ था वहां पे 4 बॉल पे 2 रन बनाए उन्होंने हांगकांग के खिलाफ। फिर उसके बाद में हम बात करें यहां पर जहां पे पपुआ न्यूगिनी के खिलाफ खेले तो वही एक मैच था जहां पर उन्होंने 59 रन बनाए थे 39 बॉल पर। फिर उसके बाद में ये जो लगातार हम देख सकते हैं जहां पे आगे वाले जो मैचेस हैं जहां पर 5, 24, 12, 32 रन हांगकांग के खिलाफ ही है, फिर उसके बाद में आप सऊदी के खिलाफ 0, फिर यूए के खिलाफ 0 आप देख सकते हैं, हांगकांग चाइना के खिलाफ देख सकते हैं 0 फिर से है, फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं नीदरलैंड के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ तो वहां पर पहला मैच जहां पर उन्होंने 7 रन बनाए 10 बॉल पे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13, फिर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जब हुआ तो वहां पर भी 4 रन ही इनके बल्ले से निकल पाए दोस्तों 8 बॉल पर। तो एक लगातार एक कंटिन्यूटी इनकी बैड फॉर्म की है वो लगी पड़ी है, और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि इसके बावजूद भी उनको जगह क्यों दी जा रही है, किस बात पे जगह दी जा रही है, किस बेस पे जगह दी जा रही है, कि ये वजह है कि हमारे पास में ओपनिंग बैट्समैन नहीं है अच्छे, कुशल की तरह हिटिंग करने वाले कोई नहीं है, या ये है, या कुछ मैनेजमेंट चाहती है कि भाई जैसा भी हो ये टीम में होनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से ये रिकॉर्ड देख पा रहे हैं एक साल से जो चलता हुआ आ रहा है, तो इस बेसिस में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कब का ही इनको टीम से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट एंड कोच का जो भरोसा इनके ऊपर है, और क्योंकि जिस तरह से इन्होंने
ने 2023 में रन बनाए थे, धुआंधार था, तो उसी के बेसिस में अभी भी टीम और मैनेजमेंट को, कोच को लगता है और कैप्टन को भरोसा है कि ये खेल सकते हैं। शायद इसी वजह से अभी तक टीम में भी टिके पड़े हैं दोस्तों, और हम भी भरोसा करते हैं कि आने वाले टाइम में जब यहाँ पर अभी NCAA में ये प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसके बाद में जब कनाडा जाके खेलेंगे तो ये शायद जो गलतियां हैं इनमें सुधार हो जाए और ये एक बेहतर बैट्समैन बन के निकल पाए। और एक ऐसा मौका जो आने वाला है, अगर यहाँ पर CWC लीग 2 में अगर हम इन मैचेस में हार जाते हैं तो समझिए हमारे जो काफी ज्यादा डैमेज हमको होने वाला है इससे, क्योंकि हमारे जो रैंकिंग है वो भी नीचे गिर जाएगी, साथ में हमें जो वर्ल्ड कप में जाने का मौका है वो भी चला जाएगा, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो है कि हमारा जो ODI स्टेटस है उसमें भी खतरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी शान, अपनी मान सम्मान बचाने का हमारा मौका है, और यहाँ पर इस मौके पर हमारे जो स्टार बैट्समैन है इनका यहाँ पर चलना बहुत जरूरी है, इनका कुशल बुर्तेल का यहाँ पर खेलना, अच्छी तरह से खेलना और कंटिन्यूस अपनी फॉर्म को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, और यही मौका है जहां पर ये अपने आप को दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। अगर यहां पर साबित नहीं कर पाते हैं, समझिए कि हमारी जो टीम है वो फिर से पारस ने जहां से खड़ी की थी उसी स्टेज में फिर से पहुंच जाएगी, फिर से हमें ODI स्टेटस के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये समय नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, स्पेशली कुशल बुर्तेल को अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी और डट के खेलना पड़ेगा और अपनी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप मेरी बातों से कितना ज्यादा सहमत है, प्लीज कमेंट करके मुझे आप जरूर बताना। आपके कमेंट और आपके लाइक बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर दबा देना दोस्तों। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ में, इसी बात के साथ में मेरी जो फीलिंग एंड थॉट्स हैं आपके साथ में शेयर करी है, इसके साथ में आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में।